नमस्कार। सभी साथियों का अपराध मुक्त भारत मिशन में स्वागत है। मैं देख रहा हूँ कि साथियों में एक गर्म जोशी आने की जरूरत है। देखिए, इन सफेद पोशों ने आपको साथ एक षड्यंत्र किया है। आज़ादी के इन 75 सालों में इन्होंने आपको यह अवगत नहीं कराया है कि अंग्रेजों ने जो नियम भारतीय गुलामों को शासित करने के लिए, शोषित करने के लिए और अपमानित करने के लिए बनाए थे, वो आपके ऊपर बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले थोपे हुए हैं। जो बादशाही व्यवस्था अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी, वह भी आपके ऊपर यथावत थुपी हुई है। इन 75 सालों में जो संशोधन किए गए, उसमें इस बादशाही व्यवस्था को और अधिक अधिकार दे दिए गए हैं। लिहाजा आप अंग्रेजों के समय से अब और बड़े गुलाम बन गए। इन्होंने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत जो राजसत्ता की पॉलिटिकल पार्टी की व्यवस्था पैदा की है, वो जानबूझकर फॉल्टी है। लिहाजा जो लोग आपके वोट से चुने जा रहे हैं, वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर वह पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। यह अत्यंत ही लज्जा और शर्म का विषय है कि वो आपके वोटर से तो चुने जाते हैं, लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इन राजनेताओं ने इन पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी प्राइवेट कंपनियां बना लिया है, फैमिली की कंपनियां बना लिया है, और यह लोग 5 आधारों पर टिकट देते हैं। पहला, जो ज़्यादा पैसा दे उसको टिकट देते हैं। अपने बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट देते हैं, जिनके दूध के दांत नहीं टूटे हैं, और यदि वो जीत जाते हैं तो उन्हें मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाते हैं। दूसरी पार्टी से जो लोग, जिन्हें लगता है कि उन्हें अपनी पार्टी में सत्ता सुख मिलने की संभावना खत्म हो गई है, ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में जगह देते हैं, उन्हें मंच पर बिठाते हैं, उन्हें टिकट भी देते हैं, उन्हें मंत्री पद भी देते हैं और ढेर सारा पैसा भी। जाति और धर्म के आधार पर ये टिकट बांटते हैं और ढूंढ कर अयोग्य लोगों को टिकट देते हैं, क्योंकि अपने से योग्य लोगों को ये दूर रखना चाहते हैं, अन्यथा वह आगे चल के इनके लिए चुनौती बन जाएंगे। यह ढूंढ ढूंढ कर अपराधिक चरित्र के लोगों को टिकट देते हैं, और यदि उसमें जाति और धर्म का तड़का लगा हो तो सोने में सुहागा है। फिर यह छदम नीतियों के तहत चुनाव जीतते हैं। तो आजकल एक फर्जी सर्वे का जो ना सिस्टम आ गया है, तो ये पेड कंपनियां होती हैं जो आपके असेसमेंट को अच्छे से जो है ना उसमें सजा कर पेश करती हैं और एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं कि हवा इस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में है। इन सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने आईटी विंग बना ली हैं, जिनका काम अपने ऐसे काम जिनका ज़मीन पे कोई असर भी ना हुआ हो, उनको महिमा मंडित किया जाए, अपनी लाइन जितनी बड़ी हो सकती है उसे बड़ा किया जाए, और जो लाइनें दूसरों की हैं उन्हें छोटा से छोटा किया जाए। तो आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट पॉइंट को पकड़ कर आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिलो करके उन्हें जोकर, लल्लू, पप्पू जो भी बना सकते हैं बनाने की कोशिश किया जाए, और इसके लिए एनिमेशन से लेकर हर तरीके की चीज़ों का सहारा लिया जाता है। इन्होंने ऐसे सोशल मीडिया हैंडलर्स जिन्होंने अपनी मेहनत से जगह बनाई है, जिनकी व्यूअरशिप लाखों और करोड़ों में पहुँच गई है, ऐसे हैंडलर्स को इन्होंने अपने पेरोल पर ले लिया है। और यह हैंडलर एक अवेयरनेस तो क्रिएट करते हैं, वो अवेयरनेस के नाम पर एक भय पैदा करते हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में जाता है कि यदि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई तो आप नष्ट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा, आपका कोई वजूद ही नहीं बचेगा। इस प्रकार जो है यह सर्वे का यूज करते हैं।
इस तरीके से है, आईटी का यूज करते हैं, इस तरीके से सोशल मीडिया का यूज करते हैं। पहले लोग बाग अपने लोकप्रिय नेता को सुनने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर भी आते थे, आज इन दुष्ट राजनेताओं ने गाड़ियां भेजते हैं, उन्हें के लिए लंच डिनर और ब्रेकफास्ट की व्यवस्था करते हैं, ऊपर से उन्हें 500 रुपए भी देते हैं। इस प्रकार ये आम सभाएं भी अपने लोकप्रिय नेता की ना होकर पेड आम सभाएं हो गई हैं। तो पेड प्रिंट मीडिया, पेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर ढेर सारी फ्रीवीज, फ्रीवी इनके पिताजी की नहीं है, लेकिन कोई 125,000 करोड़ की फ्रीवी बांट रहा है, कोई 80,000 करोड़ की फ्रीवी बांट रहा है। तो ये दुष्टता के ऊपर दुष्टता करते जाते हैं और यह आपके वोट को जाति धर्म गरीबी और दारूखोरी के आधार पर जो है ना लेना चाहते हैं। तो यह जो है जाति और धर्म की चीज़ें फैलाते हैं, यह जो है पैसा बांटते हैं, दारू बांटते हैं और हमारे सेल्फ एस्टीम को कुचलते हुए हमारे वोट से जो है सिलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होते हैं, लेकिन हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो हमारी हैसियत एक वोट देने वाली गुलाम की हो गई है। साथियों, अब ये तो समस्या हुई, इसका एक बहुत ही साधारण उपाय है, जिस उपाय के तहत जिसका हमने नाम एनर्जी मॉडल दिया है। मैं अपने सभी मित्रों का आह्वान करता हूँ कि कृपया अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने विभिन्न सर्कल जिनसे आप जुड़े हुए हैं वर्षों से, उनके मित्रों को जोड़कर जो है अपने आप को चंद्रगुप्त बनाइए। इस कार्रवाई में आपको 5 पैसे किसी को नहीं देना है, आप कोई नियम नहीं तोड़ रहे हैं, आप कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, आप जो है ना चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, धरना नहीं कर रहे हैं, घेराव नहीं कर रहे हैं, जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, रेल रोको नहीं कर रहे हैं, आप दिल्ली के जंतर मंतर पे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, लिहाजा आप किसी तरीके का कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जिसमें कि यह आपके विरुद्ध जो है फर्जी मुकदमे कायम करके आपको जेल में भेज सकें, ऐसा भी इनको अवसर नहीं। तो आपकी जेब से खर्च भी नहीं हो रहा है, आपकी रिस्क भी जीरो है और जिन लोगों को आप जोड़ेंगे, अभी अपने काम में व्यस्त होने के कारण आपको समय नहीं मिलता है, आज जब इनसे आप बात करेंगे तो आप बड़ी आसानी से अपने संबंधों को और मधुर बना पाएंगे। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, अब इसमें आपको दो बड़े फायदे मिल रहे हैं, एक परोक्ष का फायदा, एक सीधा फायदा। तो आज की व्यवस्था में यदि आप सीधे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप इनके गेम नहीं खेल पाएंगे, आपको टिकट पाने के लिए वर्षों की चापलूसी चाहिए, आपको बहुत सारा ढेर सारा पैसा चाहिए जो आप इनको दें, और फिर ढेर सारा पैसा चाहिए जिससे कि आप चुनाव में खर्च कर सकें, और इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके जब आप जीतेंगे तो आप भी भ्रष्टाचार की गंगा में बह जाएंगे। लिहाजा क्राइम फ्री भारत का एनर्जी मॉडल आपको ना तो 5 पैसे खर्च करने के लिए कह रहा है, ना कोई नियम कानून तोड़ने के लिए कह रहा है, ना कोई कंडक्ट रूल वायलेशन कर रहा है, और इसमें रिस्क भी जीरो है और गेन पूरा पूरा है। तो यदि आप अपने क्राइम जो है मित्र, रिश्तेदार, सर्कल के लोगों और परिवार के लोगों को जोड़ते हैं, जो कि बहुत आसान काम है, तो आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे और इन प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर आप आगे चल के विधायक भी बन सकेंगे, आप सांसद भी बन सकेंगे, मंत्री भी बन सकेंगे, मुख्यमंत्री भी बन सकेंगे और प्रधानमंत्री भी बन सकेंगे, वो भी बिना किसी खर्च के, बिना किसी की मेहरबानी के। तो जिसके ज़्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे उसे स्वाभाविक तौर पर जो है ना ही विल बी द कॉन्टेंडर, उसको टिकट मिलेगा। केवल उसमें एक ही बात का परीक्षण किया जाएगा कि वह कोई गलत व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वह गलत लोगों से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, उसका आपराधिक कृत्य नहीं होना चाहिए, ऐसी 2-3 चीज़ों का परीक्षण करने के बाद जो हाईएस्ट पॉइंट वाले हैं उन्हें ऑटोमेटिकली टिकट मिल जाएगा। और उन्हें टिकट मिलना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा लगाई है, अपनी शक्ति लगाई है सब लोगों को संगठित करने में। तो हमारी नज़रों में वो चंद्रगुप्त हैं। अब आपको जो है दूसरा फायदा मिलेगा कि जो आपके साथ गलत हो रहा है उसे पोर्टल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को भेजा जाएगा
और उसको जो है नावली जामा पहना के जो है आपको राहत पहुंचाई जाएगी। यदि वो अपना संवैधानिक काम नहीं करते हैं तो आर्टिकल 3356 के तहत ऐसी सरकारों को गिराने की कार्रवाई भी की जाएगी। अब इनडायरेक्ट बेनिफिट देखिए कि आपको एक क्राइम फ्री भारत मिलेगा जिसमें 5 सर्टेंटी होंगी, जहां बिना थाने जाए गांव के गवाड़ी की गरीब की जिसके पास मोबाइल फोन भी नहीं है उसकी भी FIR सर्टेंटी के साथ लिखी जाएगी, और कोई बाहुबली या कोई दूसरा व्यक्ति उसका दुरुपयोग ना करे, लिहाजा फर्जी और फैब्रिकेटेड शिकायत करने वालों को विरुद्ध उसी सर्टेंटी के साथ सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी और उसे 182-211 के तहत जेल में भेजा जाएगा। दूसरी सर्टेंटी है कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन सर्वसाधारण पुलिस ऑफिसर के माध्यम से अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा कराएगा और 24 घंटे से लेकर 15 दिन के अवधि में अकाट साक्ष्यों के साथ इनफेलियबल ऑफेंस एविडेंस के साथ उसे डेट टाइम और लोकेशन से स्टैम्प करते हुए हैश वैल्यू से लॉक करते हुए और 65B का एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट क्रिएट करते हुए हम एडमिसिबल और अकाट साक्ष्यों को न्यायालय में पेश कर पाएंगे, और ऐसा चालान भी 24 घंटे से लेकर 15 दिन की अवधि में पेश किया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि ट्रायल, तो आपको बिना कोर्ट जाए ट्रायल होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड सिस्टम के माध्यम से ट्रायल होगा, लिहाजा बहुत ही आसान होगा और आज की तुलना में ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें इतने क्लोजअप से ढेर सारे कैमरे लगे होंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवन उन चीज़ों को भी कैप्चर कर पाएगा जो आज जो है मजिस्ट्रेट कंफ्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, उसका जो है वहाँ पर एक मंडी जैसा माहौल रहता है कोर्ट में, तो वो सब्जी मंडी जैसा जो ना भाग दौड़ ये वो आवाज आवाज ये सब चलती रहती हैं, तो आज की तुलना में जो है 1000 गुना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट जो है कोर्ट ट्रायल होगा और 3 दिन से 30 दिन की अवधि में न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और जिन्होंने अपराध किया है उन्हें जेल में जड़ने के लिए सड़ने के लिए विवश कर दिया जाएगा। और इनके दो कंपोनेंट होंगे, तो हर किसी को रेवेन्यू स्ट्रीम बांटी जाएगी, इवन फरियादी को भी पैसा मिलेगा, जो गवाही देता है उसको पैसा मिलेगा, डिफेंस लॉयर को पैसा मिलेगा, प्रोसिक्यूशन लॉयर को पैसा मिलेगा, जज को खुद को पैसा मिलेगा और जो भी फैसिलिटेट करेगा जुडिशियल प्रोसेस में उन सबको पैसा मिलेगा, और इन सम टोटल ऑफ दिस रेवेन्यू उसका 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। ऐसा पावरफुल केवल क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन बड़ी आसानी से इतना रेवेन्यू क्रिएट करेगा जो कि आज की तुलना में 10 गुना ज्यादा होगी। हम जो है कर मुक्त होकर भी आज की तुलना में 10 गुना ज्यादा जो है वो डेवलपमेंट कर पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे, एक समृद्ध भारत को हम निर्मित कर पाएंगे। और आगे चल के हम रेवेन्यू पेपर करेंसी फ्री भारत पैदा करेंगे, और जब पेपर करेंसी होगी तो ना हवाला होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, ना टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे, ना ड्रग माफिया होंगे, ना हथियार माफिया होंगे, ना अन्य कोई माफिया होंगे। लिहाजा जो भी पैसा होगा उसका इम्पैक्ट कम से कम 3 या 4 गुना ज़्यादा होगा। तो यदि 10% 10 गुना ज़्यादा रेवेन्यू आ रही है और इन सब फैक्टर के कारण हम 20 से 30 गुना जो है ना ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएंगे, ऐसी पावरफुल व्यवस्था। फिर क्राइम फ्री भारत के एग्रो एंड आयुष मॉडल के माध्यम से हम बड़ी आसानी से किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ा पाएंगे। भारत एक विशेष रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब होगा और अपने वैदिक ज्ञान को और जो है ना रिसर्च और डेवलपमेंट के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। तो हमारा आने वाला भारत ना केवल अपराध मुक्त होगा, ना केवल भ्रष्टाचार मुक्त होगा, ना केवल कर मुक्त होगा, बल्कि निरोगी दीर्घायु और समृद्ध भी होगा। और इसको करने के लिए आपके खेत
खीसे से 5 पैसे भी नहीं जा रहे हैं, आप कोई अपराध भी घटित नहीं कर रहे हैं, कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं, कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, केवल अपने लोगों को जो है आपसे संवाद करके उन्हें संकल्पित करके आपको जोड़ना है, और इसके एवज में आप जो है खुद विधायक भी बन पाएंगे, सांसद भी बन पाएंगे, मंत्री बन पाएंगे, मुख्यमंत्री बन पाएंगे, प्रधानमंत्री बन पाएंगे, वह भी अपने पुरुषार्थ के आधार पर, किसी से मेहरबानी या भीख या चाटुकारिता की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे पावरफुल इंजन के साथ बिना किसी रिस्क के यदि इसके बावजूद भी हम ये नहीं करते हैं तो मुझे रामचरितमानस का एक चौपाई याद आती है जिसमें कहा गया है, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। तो क्या आपके प्रारब्ध आपको दारुण दुख दे रहे हैं, देना चाहते हैं, जिसके कारण आपकी मति जो है इस छोटी सी चीज को भी नहीं समझ पा रही है? आओ लेट्स डिफीट अवर प्रारब्ध, हम कर्म से अपने प्रारब्ध को डिफीट करते हुए एक समर्थ भारत, अपराध मुक्त भारत को जमीन पर उतारें। तो मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप सब लोग क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप के माध्यम से जुड़ें और अपनी आईडी से लोगों को जोड़ें जिससे उसके प्रतिष्ठा पॉइंट आपको मिले। तो ये ध्यान रखा जाए, हम चाहेंगे कि हमारे सभी व्यक्ति जिनसे भी आप वार्तालाप करते हैं उनको आप मार्गदर्शन दीजिए, उनको आप बताइए कि बड़ी उनको मार्गदर्शन दीजिए कि बड़ी ही आसानी से हम जो है अपने हायर एनर्जी लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। लिहाजा मैं आपको सलाह देता हूं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसमें 1700 से अधिक वीडियोज हैं, उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार सुनिए, इससे आपकी एनर्जी का लेवल आगे बढ़ेगा और आप हायर एनर्जी को मेंटेन कर पाएंगे, जिससे आप संकल्पित होके अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो है परिवार के लोगों को और सर्कल के लोगों को जोड़ पाएंगे। क्राइम फ्री भारत ने 3 एरिया चुने हैं जो कि इम्पोर्टेंस के एरिया हैं, एक युवाओं को जोड़ने का, दूसरा जो है गरीब नारायणों को जोड़ने का जिसमें मजदूर, किसान, हाथ ठेले वाले, टैक्सी टेम्पो ड्राइवर, छोटे छोटे दुकानदार, जो भी गरीब है वो चाहे किसी भी जाति और धर्म का हो, उसे जागृत करना है, उसमें वो पुरुषार्थ पैदा करना है, वह अपने मित्रों, रिश्तेदारों को और सर्कल के लोगों को जोड़कर अधिकतम जो है नाम पाकर न केवल चंद्रगुप्त बनेगा बल्कि विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेगा, और आगे चल के जो गुलामों के नियम थुपे हुए हैं उनको बदलेंगे और जो बादशाही व्यवस्था है उसे बदलते हुए उसे अकाउंटेबल बनाया जाएगा, और क्राइम फ्री भारत के जो 5 सर्टेनिटीज हैं उन्हें जमीन पर उतार कर आपके जो जितने भी संकट हैं वो सब दूर कर दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।